हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा जो बेस्ट टिप्स होते हैं जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे जो कि आपकी किचन में आसानी से मिल जाएंगे और जो प्रेग्नेंट आपको बहुत जल्दी करते हैं तो चलिए उसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करते हैं अगर आप इन उपायों को ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रेग्नेंसी रुक जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहला जो उपाय है वो है खजूर और धनिया की जड़ों के पेस्ट को गाय के में मिलाकर जो बनता है और होम रेमेडी उसको अगर आप ट्राई करेंगे आपको ये बनाना कैसे है सबसे पहले हम देखते हैं कि खजूर में ऐसा क्या होता है जिससे आपको प्रेग्नेंट होने में हेल्प मिलती है देखिए खजूर में वाइटामिन ए वी ई e लो तत्व और अन्य आवश्यक खनिजों से परिपूर्ण एक समृद्ध स्रोत है खजूर में अत्याधिक पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो आपके गर्भारण के समय और प्रेगनेंसी के समय में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं आपको ये पेस्ट बनाना कैसे है 10 से 12 खजूर आपको क्या करना है लेना है दो चम्मच धनिया की जड़ों के साथ पीस लेना है और इस पेस्ट को एक कप गाय के दूध में मिलाकर आपको उबाल लेना है आपको पी लेना है ये आपकी प्रजनन क्षमता को सुधार करेगी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी करेगी और आपको पीरियड के बाद जब आपके मासिक धर्म के बाद लगभग 1 हफ्ते तक आपके पीरियड डेट के बाद जो है जब आप पीरियड से पूरी तरह फ्री हो जाएंगे उसके एक हफ्ते तक आपको इस मिश्रण का सेवन करना है नेक्स्ट है आपको क्या करना है गुनगुने पानी के साथ अनार के पेड़ की शाल का पाउडर भी लेना है अनार श्रोणिक क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने में बहुत प्रभावी माना जाता है ये फल महिलाओं में प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए जाना जाता है और गर्भाशय की अंदरूनी परत को मोटा करने में हेल्प करता है जिससे गर्भपात की संभावना कम हो जाती है आजकल हर दूसरी या तीसरी महिला को मिसकैरेज होता है लेकिन अगर आप इसको लेंगे तो आपको मिसकैरेज भी नहीं होगा अनार के पेड़ की छाल और बीजों को बराबर मात्रा में लें जड़ का पाउडर और दूध मक्का की जड़ महिलाओं और पुरुषों दोनों में बांझपन के इलाज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये जड़ शारीरिक हार्मोन के लेवल को जो है बैलेंस में रखता है ठीक करता है और आप आप मक्का की जड़ के पाउडर को एक कप गर्म पानी या दूध के साथ कुछ महीनों के लिए ले सकती हैं लेकिन प्रेग्नेंट हो जाने लेकिन प्रेग्नेंट हो जाने पर आपको इसका सेवन बंद कर देना है नेक्स्ट है जो सबसे बेनिफिशियल है जिससे बहुत ज़्यादा महिलाओं को गर्भधारण हुआ है और रिसर्च में भी ये साबित हुआ है कि दालचीनी का जो पाउडर है वो फर्टिलिटी को बूस्ट करता है ये बहुत ही चमत्कारी मसाला है महिलाओं के अंडाशे की कार्यशीलता को बेहतर करने में हेल्प करता है और इस तरह बांझपन से बचने में भी हेल्प करता है इसका उपयोग जो है पॉलिसिस्टिक अंडाशे सिंड्रोम या फिर पी के उपचार में किया जाता है अगर आपको पी है या फिर पी है तो ये काफ़ी तक उसे बिल्कुल क्योर कर देता है दालचीनी का पाउडर जो महिलाओं में बाजपन के प्रमुख कारणों में से एक है जिसकी वजह से महिलाओं को गर्भधारण नहीं होता है पीसीओडी या फिर पीरियड्स इेगुलर हैं तो ये उसको अच्छे से क्योर करके महिलाओं को गर्भधारण करने में हेल्प करता है पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर कर देता है एग की क्वालिटी अच्छे से जो है हो जाती है ओवलेशन अच्छे से हो जाता है एग अच्छे से रप्चर होता है ओबलेशन अच्छे से होता है आपको बनाना कैसे है एक कप गर्म पानी में एक चम्मच दालचीनी पाउडर आपको मिलाना है और उसे लगातार कुछ महीनों के लिए आप पी सकते हैं जिससे आपको सिर्फ एक महीने के अंदर भी गर्भधारण हो सकता है और अगर अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो दो से तीन महीने लग जाएंगे नेक्स्ट है आपको बरगद के पेड़ की छाल जो है वो गर्म दूध के साथ लेनी है बरगद के पेड़ की जड़ें गर्भधारण करने के प्रभावी घरेलू उपचारों में से एक है आप अपने मासिक धर्म पूरा होने के बाद लगातार तीन दिनों तक बरगद के पेड़ की जड़ के पाउडर को गर्म दूध के साथ ले सकती हैं अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो इसको कुछ महीनों तक आपको पीना होगा जिससे आपको आसानी से गर्भधारण हो सकता है नेक्स्ट है कच्चा लहसुन खाएं। लहसुन का सेवन गर्भवती होने के लिए प्रभावी प्राकृतिक उपचारों में से एक है लहसुन को महिलाओं की प्रजनन क्षमता में सुधार के लिए भी जाना जाता है लहसुन की चार से पाँच फांके लें और उन्हें ऐसे ही कच्चा खाएँ और उसे खाने के बाद एक गिलास गर्म दूध पिएँ प्रजनन क्षमता में सुधार के लिए खासकर सर्दियों में इस प्रक्रिया की नियमित रूप से करें तो फ्रेंड्स ये जो कुछ खास उपाय हैं इनको आप अगर करेंगे उनमें से इनमें से कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो उपाय करके देखें आपको तुरंत गर्भधारण ज़रूर होगा तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ तब तो तक अपना खास ख्याल रखें थैंक यू गाइज़